आपने मुझे मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वशासन विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों से जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रशासन शहरों के संघ अभियान के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया, विकास कार्य अवरुद्ध हो गए। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से एक बात मेरे सामने बैठे हुए लोगों को कहना चाहता हूं कि आबाद शहरों को बर्बाद कर दिया तुमने। धारीवाल साहब, आबाद शहरों को बर्बाद कर दिया तुमने। शहरों का यह मंजर हर किसी ने देखा है यहां पर। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज है 6-7 महीने हुए। उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक राजस्थान पर राज किया और मैं एक एक चीज बता सकता हूं इसमें। धारीवाल जी भी बैठे हैं यहां पर। कांग्रेस पार्टी ने घोषणाएं की, फर्जी शिलान्यास किए, कई जगह तो कुछ काम नहीं हुआ तो उद्घाटन भी कर दिए और कई संस्थाओं को ऋण लेकर उन्होंने जो राजनीतिक लाभ मिल सकता था कुछ कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम ये निकला कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जो SFC और TFC व अन्य अनुदान जो आता है वो निदेशालय स्तर से कटौती शुरू हो गई। राजस्थान में छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जयपुर लेवल पर कटौती शुरू कर दी और उसकी वजह से राजस्थान की जो छोटी छोटी नगर पालिकाएं थी वो कंगाल होने की स्थिति में हो गई धारीवाल साहब आपके राज। और इसी वजह से आज राजस्थान की उन नगर पालिकाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपको ध्यान होगा राजस्थान में जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय हमने 4-4 करोड़ रुपए बैठे अपनी सीट पे जाइए 4-4 करोड़ रुपए हमने क्या तमाशा छोटी से छोटी नगर पालिका को विकास के लिए हमने दिए थे। कितनी बार कह रखा है हमने 100 करोड़ रुपए जयपुर के शहर को भी ठीक नहीं है। सब लोग देख रहे हैं ऊपर आपको व्यवस्था मुझे व्यवस्था कोई नहीं प्रश्न। अरे आप पर्ची भिजवा दो इनको बोलने दो बैठिए। आपके सदस्य बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा जब राजस्थान में वसुंधरा जी का भारतीय जनता पार्टी का राज था उस समय हमने जयपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए सौंदर्यीकरण के लिए एक यहाँ पर दुर्गंध युक्त अमीन शाह नाला था। धारीवाल जी आपको भी ध्यान होगा हमने 1700 करोड़ रुपए लगाकर वहाँ दरवती नदी का के नाम से निर्माण सौंदर्यीकरण किया, पार्क बनाए, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की। लेकिन आपने उससे विकास की गति मिली लेकिन आपने 5 साल में उस जयपुर शहर की दरवती नदी की क्या स्थिति की है यह आप देख सकते हो। वहां पर दुर्गंध मार रही है और जयपुर का सत्यानाश आपने कर दिया। हमने हर नगर पालिका में फायर ब्रिगेड दिए जहां आवश्यकता थी, हमने भर्ती की, इन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। जयपुर में अभी रिंग रोड बना हुआ आपने देखा होगा, ये रिंग रोड किसने बनाया? आपने नहीं बनाया। अरे रिंग रोड भारतीय जनता पार्टी के राज में बना है। हम इसके लिए नेशनल हाईवे और विशेष रूप से नितिन गडकरी जी को आप भी तालियां बजाओ धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उसमें 900 करोड़ भी लागत से आपने तो उस काम को अधूरा छोड़ दिया। थोड़ा बहुत बचाओ अब हम करेंगे उस काम को, ये जावर सिंह जी खरा सब करेंगे। आपने कमाने की बात तो भी बताता हूँ मैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, पूरे हिंदुस्तान की सराहना पूरे विश्व में की गई। राजस्थान में स्वच्छ भारत अभियान जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था आज के अभी हो तो उस अभियान का सत्यानाश धारीवाल साहब आपने कर दिया। शहरों की क्या ग्रेडिंग है आपको पता है अच्छी तरीके से।
आज मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, मैं खुद इंदौर जाके आया, मैं मंत्री था उस समय, और वहाँ में और यहाँ में हम फर्क देखते हैं तो लगता है कि राजस्थान में पिछले 5 साल की राज में स्वच्छ भारत अभियान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और मैं हमारे मंत्री जी को निवेदन करूँगा, क्योंकि ये पूरा काम इन्होंने देशतापूर्ण इसलिए किया कि वो अभियान के नाम के साथ नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़ा हुआ था। इन्होंने उस काम को रोक दिया और आज हमारे मंत्री जी उस काम को वापस शुरू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में JDA द्वारा और अन्य नगर पालिकाओं के द्वारा एक आपने बहुत अच्छा काम किया बिल्डिंगों को सील करने का, और सील के पीछे कितनी डील की आपको पता होगा। अगर अवैध निर्माण है डोटासरा जी, उस अवैध निर्माण को टूटना चाहिए, और सील कर थोड़े दिन बाद सील खोलने का मतलब यह है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आप सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, इस जयपुर में और राजस्थान में ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं जिन पर अवैध निर्माण हुआ है, जयपुर में हुआ है, उन पर आपने सील लगाई, थोड़े दिन बाद राजनीतिक प्रेशर से या डील करके उसको खोल लिया। मैं मंत्री महोदय जाबर सिंह जी खरा साहब से निवेदन करूंगा, जित उसको SEBI में देंगे, जाएंगे, वो भी जाएंगे, जाएंगे नहीं गए अभी तक, क्यों नहीं गए हमारी सरकार, क्यों नहीं गए अभी तक आप, जाएंगे और सब जेलों में भी जाएंगे जिन्होंने पैसा खाया, किसी को नहीं बख्शेंगे, चिंता करनी। आपने क्या किया, जयपुर को, जोधपुर को, कोटा को टुकड़ों में बांट दिया आपने, क्यों, क्योंकि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। परमिशन अध्यक्ष जी देते हैं, अगर आप दें तो। अध्यक्ष महोदय, कृपलानी जी मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है अध्यक्ष महोदय, वो आप ठीक कर सकते हैं, इनको मंत्री नहीं बनाओ लेकिन मंत्री वाली सीट पे बैठा दो, ढंग से बोल लेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब आप देखो, आपके दोनों के लिए सुरक्षित करेंगे, अब आप इधर नहीं हो पा रहे, मेरा भी दोष नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसा दर्द मेरे को है, इधर आप नहीं आ रहे, अध्यक्ष महोदय जैसा दर्द मेरे को है वैसा ही दर्द इनको है कि विपक्ष का नेता इनको नहीं बना। मैं आपसे निवेदन करूंगा जूली साहब, इनको विपक्ष का नेता बनो, क्योंकि जूली साहब को तो आप बोलने देते नहीं हो, भले आदमी है, खड़े होते आप खड़े हो जाते हो, तो पहले तो ये तय करो विपक्ष का नेता कौन है। हाँ, हाईजेक कर लेते हैं उसको बार बार, कौन, लेकिन ये विपक्ष का नेता बनना चाह रहे हैं, आपको पता नहीं है। अरे शांत रे, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जयपुर, कोटा और उदयपुर शहर, सॉरी जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों शहरों को टुकड़े क्यों किए गए, दो नगर निगम क्यों बनाए गए? सिर्फ इसलिए बनाए गए कि कांग्रेस पार्टी एक नगर निगम रहता है तो ये चुनाव जीत नहीं पाते, और तुष्टिकरण के आधार पर उन्होंने दो टुकड़े किए। तो आप ये देखिए कि जोधपुर में भी एक हम हार गए, एक जीत गए, जयपुर में भी एक हम हार गए, एक जीत गए, लेकिन कोटा में दोनों जीत गए। तो मतलब आपका आप जो बात कहना चाहते हैं वो तो धारीवाल जी, बोलने दीजिए। मैं सभापति महोदय, आज राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को और हमारी वित्त मंत्री डिप्टी CM दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल दिल से, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शहरी विकास के सपने को साकार करते हुए राज्यों के विकास, राज्य के निकायों को संबल देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की इन्होंने। शहरी यातायात के लिए इन्होंने 500 इलेक्ट्रिकल बसें देने की घोषणा की है। स्ट्रीट वेंडर्स को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना प्रारंभ हो रही है। निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए SFC ग्रांट को 6.75 से 7% कर दिया, इससे विकास निश्चित रूप से निकायों का विकास होगा, और विशेष रूप से निकायों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जो वेतन भत्ता मिलता, मानदेय मिलता है,
उसमें 10% की वृद्धि की है। मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारी डिप्टी सीएम वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 20 से अधिक नगर पालिकाओं का गठन किया गया, पाली भीलवाड़ा को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपने तो नगर पालिकाएं कैसी बनाई आपको पता है? 10,000 की आबादी नहीं, वहाँ नगर पालिका आपने बना दी। जी इधर देख के बताओ आप भी कोटा की एक ही बात है सुन रहे हो तो आप बताओ। धन्यवाद, ये हमारी पारंपरिक वेशभूषा है। सभापति महोदय, इन्होंने लाखों पट्टे दिए भगवान साहब। इन्होंने पट्टे क्यों दिए? सूरज का रंग भगवा हमारे कुर्ते कर। सभापति महोदय, कल बाबाओं के जिस तरह से जय जय हो रही थी, मन से आपको लगा इससे सुंदर वेशभूषा नहीं हो सकती, इसलिए आपने धारण कर लिया आज ही। इन्होंने तुष्टिकरण की नीति की और जो अच्छी अच्छी जमीनें थी कोड़ियों के दाम पर अपने लोगों को संस्थाओं को इन्होंने बांट दी। सरकारी निजी भूमि के अवैध व अनियमित जमीनों पर उन्होंने पट्टे दे दिए। मैं खराल साहब को, हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पिछले दिनों विधानसभा में घोषणा की इस बात की कि जो गलत पट्टे दिए गए उन पट्टों की हम जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पट्टे भी निरस्त करेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको शायद ध्यान नहीं, हमारे निम्बाड़ा में आपके 2-3 पार्षद जेलों में बंद है अभी पट्टों की वजह से, फर्जी पट्टे बनाए जिन्होंने, 8-8, 10-10 अभी बंद हैं। ये जो योग्य कदम इन्होंने उठाया उसके लिए मैं आपको मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूँगा कि इसमें थोड़ा समय का आप ध्यान रखें, समय सीमा इसमें तय कर दें ताकि इससे लोगों को असुविधा नहीं हो, फटाफट ये काम हो जाए और लोगों को राहत मिल जाएगी। इस मंत्री महोदय को मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत कम अल्प समय काल में नई टाउनशिप पॉलिसी आपने लागू कर दी, नए भवन विनियम आदि का ड्राफ्ट प्रकाशित आपने कर दिया। इसके लिए आप सब भी धन्यवाद दो इनको कि इतने कम समय में ये काम नहीं हो सकता था, लेकिन हमारे खर्रा साहब ने इस काम को किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि नए विनियमों व नीतियों में गरीब वर्ग व आदिवासियों का और अनुसूचित जाति के लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, हमारा उदयपुर हो, डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, चित्तौड़ हो, वहाँ आदिवासी बहुल्य जिले हैं जहाँ पर अधिकतर लोग अनुसूचित जाति जनजाति के रहते हैं। तो इन योजनाओं में और जितनी भी आप ये स्कीम बना रहे हैं उसमें इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इन गरीब वर्ग को फायदा मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। मंत्री महोदय, इस बात का भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि नगरीय निकाय न्यास व प्राधिकरणों में वर्षों से जो कांग्रेस के राज में संविदा पर और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आपने रख रखा था, कांग्रेस के लोगों ने, अधिकतर कांग्रेसियों को लगा रखा था राजनीतिक आधार पर, इन्होंने संविदा पर उनकी नियुक्ति कर रखी थी, उनकी आपने छुट्टी कर दी और राजस्थान की सब नगर निगम नगर पालिकाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धारीवाल साहब, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, पिछले 5 साल में आपने भर्ती नहीं की कोई भी। जब हमारा पिछला कार्यकाल था 5 साल का, तो हमने फायर मैन की भी भर्ती की, हमने हरिजन समाज की भी भर्ती की, हमने 18,000 सभी कर्मचारियों को हमने भर्ती की, 18,000 विज्ञापन निकाला था पर वो टुकड़ों में था ना, तो भर्ती की इन्होंने भी निकाला, अभी सभी कर्मचारियों का आपने भी निकाली, अभी भर्ती की हुआ क्या सभापति महोदय? उसमें कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्टाचार करने में लगे, लोगों ने शिकायत की, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, एक भी भर्ती नहीं कर पाई, इसीलिए ना कितने इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि देखो डोटासरा जी, मेरा कद आपसे बड़ा है, मैं 90 में MLA बन गया था, आप बहुत बाद में बने हो, आप भली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो,
लेकिन ये तुम्हारी क्या बोलेंगे, आपकी किस्मत अच्छी है, अच्छे बोलेंगे तो सुन रहे हैं, आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरा गला खराब है, नहीं तो आपको इलाज कर देता मैं सबका। क्या कह रहे हैं जुबेर खान जी, ये तो मेरे साथ जुबेर खान जी तो मेरे साथ रहे हैं ना, ये ध्यान भटका रहे साहब, आप तो विषय पे सभापति खराब है और माइक छोटा है, हमने इसलिए आवाज कम आ रही है। हमने सभापति महोदय एक योजना प्रारंभ की थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना, 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन। हम उस समय 400 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रहे थे। आपने क्या किया, गहलोत साहब का राज आया, आपने योजना का नाम बदल दिया और अपनी दादी माँ के नाम पर रख लिया इंदिरा गांधी रसोई योजना। अन्नपूर्णा, हाँ अन्नपूर्णा रसोई योजना सही थी, नाम सही था, अन्नपूर्णा हमारी माता है, अन्न की माता कहते हैं अन्नपूर्णा माता, लेकिन आपने इंदिरा जी के नाम पर रख दिया। हालांकि मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने वापस उसका नाम चेंज कर दिया, अन्नपूर्णा रसोई योजना रख दिया, और 450 ग्राम जो देते थे उसकी जगह 600 ग्राम का आपने प्रावधान किया, 350 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का प्रावधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खर्रा साहब का और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में मेट्रो की सख्त आवश्यकता, इतनी नहीं थी पहले, लेकिन मेट्रो इन्होंने गहलोत साहब के राज में मेट्रो प्रारंभ हुआ, उसके बाद वापस अभी कांग्रेस का राज आया, वापस उस काम को रोक दिया गया, और अभी मंत्री जी ने वापस इस मेट्रो को जो विस्तार करना है, क्योंकि पहले मेट्रो जब ट्रेन प्रारंभ की थी उसका रूट सही नहीं था, और अब वापस उस रूट को कैसे सही किया जाए, उसका विस्तार किया जाए, उसके लिए आपने इस कार्य को प्रारंभ किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी केंद्र का बजट दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शहरों के विकास को केंद्र मानकर विकसित किए करने के लिए कई इस बजट में प्रावधान किए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत बजट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान को भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। हाँ शांत रहे, शांत रहे, बोलने की शुरुआत है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो गरीबों के लिए शहरी आवास बन रहे हैं, उन शहरी आवास के स्थानों का चयन में मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा, उनको हाँ उसकी जगह को जरूर देखा जाए, जहाँ जमीन उपलब्ध होगी वहाँ तो बनाएंगे आप, लेकिन जहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो सके, पीने के पानी की व्यवस्था हो सके, सड़क की व्यवस्था हो सके, परिवहन की उपलब्धता हो सके, ऐसे स्थानों को अगर आप चयन करेंगे तो निश्चित रूप से कि मकानों के निर्माण के समय निर्माण की सामग्री और डिजाइन का भी पूर्ण ध्यान आप रखोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सभापति महोदय, अभी हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने हाईटेक सिटी जयपुर को बना, एक हाईटेक सिटी बनाने के लिए घोषणा की, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अभी गुजरात में वहाँ की सरकार ने गिफ्ट सिटी बनाई है, अब यहाँ के लोग गिफ्ट सिटी देखने जाते तो उनको लगता है कि क्या गिफ्ट सिटी बनी, जिसे सिंगापुर का नक्शा है पूरा ही, बड़े बड़े विश्व के जो खूबसूरत देश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जाबर सिंह जी खरा जो हाईटेक सिटी जयपुर को बना रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत सिटी बनेगी, उससे शहरों के विकास की ओर हम अग्रसर होंगे। पिछली सरकार में हमने अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लाए थे, उसको लाने के पीछे हमारा रेरा का कानून भी हम ही लाए थे उस समय, उसके पीछे हमारा उद्देश्य था कि जो टाइटल है वो टाइटल फ्लैट करने वालों को मिल जाए। लेकिन आपकी सरकार में क्या हुआ, आपकी सरकार में जितने भी बिल्डर हैं उनके दबाव में आकर आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया,
और उसकी वजह से जो बेचारे 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख जो लोन लेकर फ्लैट ले रहे थे उनको उनका अधिकार नहीं मिला। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि इसको इसको वापस ठंडे बस्ते से निकाल कर उन गरीब लोगों को जिन्होंने नौकरी में रहते हुए गरीब जो लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर फ्लैट्स लिए उनको उस फ्लैट्स पर अधिकार मिले तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देगी। सभापति महोदय अभी तो बहुत कुछ बोलने के लिए है साहब, अभी तो एक घंटा बोलना है मेरे को, वक्ता बहुत है, समय पर पूर्ण हमने शीघ्र पूर्ण करें, कंक्लूड कर दे। हमने पिछली सरकार ने एक लैंड पुलिंग एक्ट लागू किया था लेकिन उस लैंड पुलिंग एक्ट को भी आपने समाप्त कर दिया, शून्य कर दिया, मतलब कोई काम नहीं हुआ उसमें। केवल भू व्यवसायी जो बिल्डर हैं जो भू माफिया हैं उनके उनका काम इन 5 सालों में कांग्रेस के राज में हुआ है। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहूँगा, मैं धारीवाल साहब पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन 5 साल के बारे में अगर हिंदुस्तान राजस्थान के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो फाइलें कहाँ पड़ी रहती थी, फोन किसका आता था, दस्तखत उस फाइल पे कैसे होते थे, लोगों से छुपा हुआ नहीं है, कितना करप्शन उस समय में हुआ है। अब वो मैं समझता हूँ कि अब आप भी बुजुर्ग हैं, ज़्यादा आपके लिए कहना भी ठीक नहीं है लेकिन राजस्थान में भजन लाल जी सरकार आने के बाद और खरा साहब के UDH मंत्री बनने के बाद किसी माइके लाल की ताकत नहीं कि 7 महीने में 1 रुपए का आरोप भी हमारे डिपार्टमेंट UDH डिपार्टमेंट पर आरोप लगा। लगातार आपके बारे में जो चर्चा चलती है बिल्कुल समाप्त हो गई है। सभापति महोदय मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि नगरीय विकास एवं आवासन मंडल द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है चाहे आवासों की योजना हो चाहे हाउसिंग बोर्ड मकान बनाती हो उसमें किसानों की जमीन अवाप्त की जाती है और किसानों की जमीन अवाप्त होती है। आज भी राजस्थान की सरकार के पास इनके डिपार्टमेंट के पास ऐसे सैकड़ों हजारों केस होंगे जिनको किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। और आपको शायद ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन में 25% हम उस समय मुआवजे की राशि देते थे और कांग्रेस के राज में उसको 15% कर दिया। अभी खर्रा साहब शायद आपने वापस 25% कर दिया, इसके लिए सब धन्यवाद दो आप कि उन किसानों को वापस अब 25% मुआवजा मिलेगा। विराजे हाँ विराजे साहब विराजे आपने 15% कर दिया था श्री किया आपको मैं रिकॉर्ड में आपका शांति धारीवाल जी धारीवाल साहब सभापति महोदय प्रारंभ करें साहब। इन्होंने जो 50 नवीन नगर पालिकाओं का गठन किया आपने मुझे बताओ जो आपने 50 नगर पालिकाएं बनाई धारीवाल साहब क्या क्या व्यवस्था की आपने वहां पर, न तो बाबू है न ईओ है न वहाँ कोई ऑफिस है न प्रशासनिक कोई व्यवस्था है न कोई आपने आर्थिक कोई सहायता की। हालत यह कि नरेगा के काम चल रहे थे वो भी पंचायतों को नगर पालिका कर दिया और कई नगर पालिकाएं तो आपने इसे बनाई। नॉर्म्स क्या है आपने नॉर्म्स को छोड़ के 10,000 से छोटी नगर पालिकाएं बना दी, आज वो नगर पालिका के पक्ष में लोग नहीं है और सारे लोग परेशान है खाली राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हमारा शासन वापस किसी बिराजे, अरे अभी तो बोलना है साहब विरोधी समय हो गया सभापति शांति धारीवाल सभापति बोले 5 मिनट हो गया 5 मिनट बाद समाप्त हो गया साहब। बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है सभापति महोदय में आप राजे साहब अभी शहरी रोजगार में 100 दिवस को आपने 125 दिन की है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप राजे साहब प्लीज सभापति महोदय मेरा निवेदन सुन लो, लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस के 5 साल के राज में कोटा कंक्लूड कर दे जोधपुर उसके अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आया। 26 हाँ आपने 2600 करोड़ रुपए लगाए और 750 करोड़ रुपए का कर्जा आज भी बाकी है कोटा में है 750 का कर्जा बाकी है अभी। क्या कर दिया आपने जोधपुर और कोटा के विकास के लिए जो पैसा लगाया ना 750 करोड़ रुपए कर्जा अभी भी बाकी है। बिल्कुल नहीं है, है जानकारी आपने नहीं है आपको। आपने महंगाई राहत कैंप लगाए आप मुझे
जितने भी कैंप लगे सभापति महोदय उन्हें सारे कैंपों में कांग्रेस के लोगों को बिठा के टेंट लगवाए गए, करोड़ रुपए का भुगतान उसका किया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। करोड़ों का आपने भुगतान किया और उसके बाद करोड़ों का भुगतान करने के बाद सभापति महोदय करोड़ों का भुगतान करने के हाउसिंग बोर्ड बाकी है साहब, हो गया काफी। हाउसिंग बोर्ड में कुछ वही नहीं, काफी कई चीजें बाकी है, काफी चीजें। सभापति महोदय बिराइए बिराइए प्लीज। एक तो सुझाव दे दूं, मंत्री महोदय को सुझाव दे रहा हूं कि हमारी जो नगर पालिकाएं कमजोर है उनकी आर्थिक स्थिति को आप थोड़ी मजबूत करें आज, और हमारी निंगपाड़ा नगर पालिका को नगर परिषद बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। धन्यवाद धन्यवाद आज।